The question given is a train 1 leaves Meerut at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train 2 leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Meerut at 10:30 a.m. At what time do they cross each other? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि स्पीड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब अगर दो ट्रेन्स हैं हमारे पास, गिवन है ट्रेन वन एंड ट्रेन टू, तो स्पीड ऑफ वन अपॉन स्पीड टू का जो रेशियो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम वन अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम टू. और जो डिस्टेंस है वो एक ही जगह का है, मेरठ टू दिल्ली, तो ये सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा स्पीड वन अपॉन स्पीड टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन. अब अगर हम देखें मेरठ टू दिल्ली इसे कितना टाइम लगा, 5 AM से 9 AM दैट इज 4 आवर्स, और दिल्ली से जब वो मेरठ गया तो इसे कितना टाइम लगा, 10:30 - 7 दैट इज 3.5 आवर्स, क्योंकि 3:30 - 3.5 आवर्स लगे इसे, तो इसका मतलब एस वन अपॉन एस टू ये हो जाएगा 3.5/4. हम इसे लिख सकते हैं एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू 35/40, तो ये 7 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, तो हमें मिलेगा एस वन बाई एस टू का रेशियो हो जाएगा 7/8 का. अब हम लिख सकते हैं कि एस वन जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है एंड जो एस टू है वो है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर. अब अगर हम देखें कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो अगर डिस्टेंस को हमने डी लिया तो डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट केस ही देखें तो 7 के इनटू इस टी वन कितना लगा 4 आवर्स, तो 4 दैट इज डी इज इक्वल टू 28 के किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया. अगर हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट करें तब भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी. अब अगर हम देखते हैं ये हमारा मेरठ है और ये है दिल्ली, यहाँ से मेरठ से दिल्ली के लिए हमें गिवन है कि 5 AM पर एक ट्रेन टी वन अगर हम ले लें, ट्रेन वन स्टार्ट करती है, तो अगर हम देखें ये टोटल तो हमारे पास है 28 के किलोमीटर, तो इसने यहाँ अगर हम देखें ये 7 AM का पॉइंट है, तो यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये 2 आवर्स है और डिस्टेंस हमारे और स्पीड भी हमारे पास है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा डी वन अगर हम ले लें, तो ये डी वन है, तो डी वन इसने ट्रैवल किया होगा 2 आवर्स इंटू 7 के इसकी स्पीड थी, तो ये हो जाएगा 14 के किलोमीटर, तो इसने ऑलरेडी 14 के किलोमीटर कवर अप कर लिया. तब यहाँ 7 AM से दिल्ली से मेरठ के लिए एक ट्रेन चली T2. अब हमें ये फाइंड करना है कि ये किस टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी कि T1 और T2 साथ में मिले. दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस जो हम देखें, ये डिस्टेंस D2 है और ये डिस्टेंस है D3 के इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब D1 + D2 + D3 ये हमें ऑन टोटल D के इक्वल मिलेगा. D1 हमने देखा इसने ऑलरेडी 14 के किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो D1 हमने देखा कि ये 14 के किलोमीटर के इक्वल प्लस D2 अगर हम देखें, तो अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट है M और ये पॉइंट है हमारा P अगर हम ले लेते हैं मिड जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो ये MP का जो टाइम है ये है T आवर्स के इक्वल. अब इसमें से इसने ऑलरेडी 2 आवर्स की हमें ट्रैवलिंग पता है, तो हमें कितने आवर्स के लिए चाहिए, T - 2 आवर्स के लिए चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 K × T - 2 + D3 हो जाएगा हमारे पास 8 K × T आवर्स, क्योंकि उसने तभी स्टार्ट किया चलना, तो ये हमारे पास ये आ गया, तो ये हो जाएगा 14 K + 7 KT - 14 K + 8 KT इज इक्वल टू 28 K, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा कि 15 KT इज इक्वल टू 28 K. दैट मीन्स जो टाइम है वो हो जाएगा 28/15, तो ये टी जो है ये 28/15 है. दैट मीन्स
ट्रैवलिंग टाइम टी हो जाए 28/15 आवर्स, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.86 आवर्स. अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम हमारे पास आएगा कि डी ने कहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया है, 10 AM से. तो 10 + 1.86, तो इससे हमें क्या मिलेगा? 11.86 आवर्स जितना. सॉरी, हम इसको कंफ्यूजन से दूर होने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि टी को हम लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 28 को 15 + 13/15 आवर्स, दैट इज टी इज इक्वल टू 1 + 13/15 आवर्स, दैट इज टी इज इक्वल टू 1 hr + 13/15 × 60 मिनट्स. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज टी इज इक्वल टू 1 hr 52 मिनट्स. अब टी ने, अगर हम देखें टी कितना होगा ऑन, ये हमारे पास ट्रैवलिंग टाइम आ गया कि इतना ट्रैवल करने के बाद वो मीट करेंगे. दैट मीन्स 7 AM के बाद उन्होंने कितना ट्रैवल किया होगा जब वो मीट करेंगे? तो 7 AM के बाद उन्होंने ट्रैवल किया होगा 8 hr 52 मिनट्स, मतलब इस पॉइंट पे ये लोग मीट करेंगे दोनों ट्रेन. सो बोथ ट्रेन्स विल मीट एट 8 hr 52 minutes. So this is our answer.